सिंगोड़ा क्षेत्र के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान ओडिशा की ओर से आ रही एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CT04NJ1150 से रोककर पूछताछ किया गया, जिसका जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें पीछे सीट के पीछे एक विशेष चैम्बर था जो सामान्य रूप से वाहनों में नहीं होता। इस पर पुलिस को संदेह होने से उस चैम्बर को खुलवाकर चेक किया गया तो चैम्बर में अलग अलग प्लास्टिक के बॉक्स में रखा सोने की ज्वेलरी एवं नकदी रकम मिला। वाहन चालक देवेंद्र कुमार साहू व वाहन में बैठे शरद शर्मा एवं भरत राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चांद रानी थाना सगनापुर जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश से पुलिस द्वारा उक्त नकदी रकम एवं सोने की ज्वेलरी के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने खुद को कुशल ज्वेलर सदर बाजार रायपुर में काम करना व चालक देवेंद्र कुमार साहू के साथ कुशल ज्वेलर्स के मालिक सौरभ जैन के कहने पर कुशल ज्वेलर्स से कुल 5500 ग्राम की ज्वेलरी लेकर बिक्री करने ओडिशा जाना व ओडिशा में विभिन्न ज्वेलरी शॉप में सोने की ज्वेलरी बिक्री कर बिक्री रकम व श्वेत बचे ज्वेलरी को लेकर वापस रायपुर जाना बताया, जिस पर पुलिस की टीम द्वारा भरत राजपूत से नकदी रकम व ज्वेलरी के संबंध में दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसे पुलिस ने नकदी रकम 32,84,500 रुपए, सोने की ज्वेलरी लगभग 4 किलो 800 ग्राम कीमत 2,22,50,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त कार कीमत करीब 4 लाख रुपए को पुलिस ने जब्त किया।